दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डीलिमिटेशन के बारे में। डीलिमिटेशन होता क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, साथ ही में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या काम होता है बेसिकली डीलिमिटेशन कमिटी का, और साथ में हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि अभी तक हमारे देश में कितनी बार डीलिमिटेशन कमीशन बन चुका है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कल स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर ये एक और लेक्चर डल जाएगा। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये डिलिमिटेशन का एक तरह से एक्सटेंशन है। आपको पता होगा 1976 में एक तरह का फ्रीज कर दिया गया था डिलिमिटेशन के ऊपर कि जो भी लोकसभा सीट्स हैं उससे और ज्यादा नहीं बढ़ सकता, और ये वैलिड है दोस्तों 2026 तक। तो इसको हम एनालिटिकल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे पूरा, और देखेंगे कि क्या उस समय जो फ्रीज किया गया था क्या हमारे लिए अभी तक सही है कि नहीं है, क्या डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन कुछ और थी, आज पॉपुलेशन कुछ और है। तो इसके बारे में पूरा एनालाइज करेंगे। इसको आप जरूर देखिएगा, आपके मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। मेरी आईडी है अंकित MAY28। तो दोस्तों, ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको पता है कि रिसेंटली आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिमूव कर दिया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब 370 अभी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसके जो मेन प्रोविजंस हैं उसको हटा दिया गया है दोस्तों। साथ क्योंकि अब ये चीज हो चुका है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर काफी ज्यादा चर्चा कर रहा है, डिस्कस कर रहा है कि आगे हम किस तरह से जम्मू और कश्मीर में जितने सीट्स हैं और उसके कितने सीट्स लोकसभा में है, तो उसके ऊपर किस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाएगा और किस तरह से उसमें चेंजेस किए जाएंगे, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन जो है चर्चा कर रही है। तो हम इस लेक्चर में जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं जानेंगे, क्योंकि ये डिलिमिटेशन से रिलेटेड है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिलिमिटेशन के बारे में हर तरफ से जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिलिमिटेशन होता क्या है। ये एक तरह का प्रोसेस होता है ताकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे देश में उनकी जो बाउंड्रीज हैं उसको फिक्स किया जा सके। जैसा कि आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे देश में ये अलग अलग आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिख रही होंगी दोस्तों, ये जो वहां बाउंड्रीज बनी हुई हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, आप यहां पे देख सकते हैं जो पिंक कलर में है वो जनरल कैटेगरी के सीट्स हैं, जो वॉयलेट कलर में है ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के सीट्स हैं, और जो ग्रीन कलर में है दोस्तों जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के सीट्स हैं। तो ये बाउंड्रीज आप देख सकते हैं कि यही काम होता है डिलिमिटेशन का, कि जो बाउंड्रीज हैं उसको फिक्स किया जाए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अब दोस्तों क्या है कि टाइम टाइम पे जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, अगर नया डिलिमिटेशन आ रहा है, ये बाउंड्री को मान लो कुछ और चेंज कर दिया सपोज, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों पॉपुलेशन। आपको पता है हमारे देश में जो है माइग्रेशन होते रहते हैं, एक टाउन से दूसरे टाउन, एक विलेज से दूसरे विलेज, तो काफी ज्यादा चर्निंग होती रहती है हमारे देश में माइग्रेशन की वजह से। तो इसकी वजह से जरूरी है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, इसकी वजह से डिलिमिटेशन बनाया जाता है। साथ ही में पता है आपको कि जो डिलिमिटेशन होता है उसकी वजह से जो सीट्स दिए जाते हैं लोकसभा के अंदर, आपको पता है इस समय लोकसभा में जो फिक्स्ड सीट्स हैं 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियंस, ये टोटल सीट्स हैं दोस्तों। तो ये कितने सीट्स होंगे ये डिटरमाइन करेगा डिलिमिटेशन कमीशन। साथ ही में जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसमें भी कितने सीट्स में परिवर्तन होगा, जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, तो वो नंबर्स कितने होंगे वो भी डिटरमाइन किया जाता है डिलिमिटेशन के द्वारा। और यहां पे आप मैप में अच्छे से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो अभी प्रेजेंट में है वो आप देख सकते हैं। अब मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिलिमिटेशन का, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है डिलिमिटेशन होता क्या है, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है दोस्तों कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना हर एक पॉपुलेशन को। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारे देश में माइग्रेशन होती रहती है, तो यहां पर इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि अगर सपोज यहां पर 10 लाख पॉपुलेशन है, एक फिगर ले लिया गया, तो हर एक 10 लाख पॉपुलेशन पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख है, करीब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अराउंड 10 लाख है, तो हर एक नागरिक को
मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 लाख लोग आते हों और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 50,000 लोग आते हों, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ऑल्दो आप काफ़ी सारे इस तरह के केसेस देख सकते हैं इंडिया में, लेकिन उसके दूसरे कारण है। लेकिन ज़्यादातर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिलिमिटेशन का, कि वो ज़्यादातर ये ट्राई करें कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। साथ ही में आप ये देख सकते हैं कि एक ये भी मकसद है, जो डिवीजन और ज्योग्राफिकल एरियाज है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, उसमें कहीं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा ना हो जाए और कहीं उसको डिसएडवांटेज ना हो जाए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को, इसको भी तय करना होता है। यहां पे एक मैं बहुत अच्छा आपके लिए एग्जांपल लाया हूं, रिसेंट आपको पता होगा 2011 के अंदर। देखिए मैं यहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैं बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन एक एग्जांपल देने के लिए आप देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में 2011 में जो मायावती की सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, उस समय उन्होंने तय किया कि जो यूपी है उसको 4 स्टेट में बांट दिया जाएगा। अब देखिए वहां पे जो कई सारे एक्सपर्ट्स थे उस समय, उनका ये कहना था कि जो मायावती का जो मूव है ये 4 स्टेट्स में बांटने का यूपी को, ये ज्यादातर ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि एटलीस्ट उनकी सरकार एक या दो स्टेट में बनी रहे, क्योंकि वहां की जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, स्पेशली जो उसकी वोट बैंक है, वो उसको वोट दे सके और ताकि उसकी एटलीस्ट एक दो जो है रीजन में उसकी सरकार बनी रहे। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको कहीं एडवांटेज ना हो जाए अपने एक अलग रीजन में, और ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव होता है डिलिमिटेशन में। और दोस्तों, जो डिलिमिटेशन का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटना है, क्या करना है, ये सब कैरी किया जाता है बाय एन इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन। इसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा, तो आप यहां समझिए बेसिकली कि डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा ये पूरा डिलिमिटेशन कराया जाता है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है डिलिमिटेशन को लेकर? अगर सपोज पार्लियामेंट को लगता है कि अगर उसको डिलिमिटेशन कराना है, तो हर एक सेंसस के बाद, जैसे कि 2011 सेंसस हुआ, उसके बाद अगर पार्लियामेंट को लगता है कि डिलिमिटेशन कराने की जरूरत है, तो थ्रू आर्टिकल 82 वो एक डिलिमिटेशन एक्ट को पास कर सकती थी और उसके थ्रू जो है एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता, और ये डिलिमिटेशन डिटरमाइन करता कि अब हमारे लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी और एक हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो कैसा होगा। लेकिन आपको पता है 2011 के बाद डिलिमिटेशन नहीं बनाया गया है। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कितनी बार बनाया जा चुका है, अभी के लिए आप जानिए कि 2011 में ये नहीं बनाया गया था। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए, जो डिलिमिटेशंस के ऑर्डर्स होते हैं दोस्तों, वो फाइनल होते हैं। ये बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन नहीं किए जा सकते बिफोर एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में इसको क्वेश्चन नहीं किया जाता। जो भी उसका डिसीजन होगा डिलिमिटेशन कमीशन का, वो फाइनल होगा। अब और ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे देश में अक्सर ज्यादातर PIL फाइल कर दिया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो कोई भी अगर इस पे ऑर्डर दिया जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, तो कई बार लोग इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाएंगे, और आज जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहां जो जस्टिस सिस्टम है वो काफी डिले हो जाता है, इसकी वजह से जो इलेक्शन प्रोसेस है वो उसमें काफी प्रॉब्लम आ सकती है इसकी वजह से। तो ये इसलिए डिसाइड किया गया था कि इसको जो है किसी कोर्ट के आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब हम दोस्तों देखते हैं कि क्या कॉम्पोजिशन होती है, कितने मेंबर्स होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पे सिर्फ 3 मेंबर्स होते हैं डिलिमिटेशन में। एक होता है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरे चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर हैं उस समय के वो, और साथ ही में जिस भी राज्य का, जिस भी स्टेट का जो डिलिमिटेशन कराया जा रहा है, अगर सपोज बिहार या उत्तर प्रदेश का कराया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके भी मेंबर्स होंगे इस डिलिमिटेशन कमीशन में दोस्तों, और बाकी भी और मेंबर्स होते हैं लेकिन उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती। बेसिकली जो वोटिंग कराई जाती है वो इन 3 मेंबर्स के द्वारा, जो भी डिसीजन लेना है वो ये 3 मेंबर्स लेंगे, और अगर कोई भी इनमें प्रॉब्लम्स है, मतलब आपस में अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वोटिंग कराया जाएगा और जिसकी मेजोरिटी होगी वो वहां पे उसके ओपिनियन को माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कमीशन का। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव बताया था डिलिमिटेशन का, अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं डिलिमिटेशन कमीशन का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं और जो बाउंड्रीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उसको इस तरह से बांटना है ताकि जो पॉपुलेशन है हर एक स्टेट की, वो हर एक इंटर स्टेट में सेम हो। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आप लीजिए उत्तर प्रदेश है, सपोज ये वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये वाला राज्य तमिलनाडु,
चालू है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा सीट्स हैं वो अराउंड 80 है आई थिंक, और जो तमिलनाडु में टोटल लोकसभा सीट्स हैं वो 39 है। तो यहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसका मेन मकसद ये होता है कि अगर सपोज वो तमिलनाडु में अगर वो एक सीट ले रही है जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन है, तो यूपी में भी वही सेम फॉर्मूला उसको अप्लाई करना पड़ेगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बना रही है वहाँ भी लगभग 10 लाख लोग ही हों। अदरवाइज क्या होता है कि अगर यहाँ पे सपोज सिर्फ 10 लाख और यहाँ पे 50 लाख को लेकर अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव देखिए कमीशन का ये होता है कि ये जो इंटर स्टेट में जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ये दोनों सेम हो। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कमीशन का कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है जिस जिस एरिया में ज़्यादा और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा उसको आइडेंटिफाई करना और उसको रिजर्व कर देना एज अ, आपको पता है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कैटेगरी में भी होते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग ही उसमें एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो सकते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ मैप में दिखाया था, आप ये देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर में है वो शेड्यूल ट्राइब्स के सीट्स हैं और जो वायलेट कलर में है वो शेड्यूल कास्ट के सीट्स हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं यहां पे कि ये जो डिलिमिटेशन है आखिरकार कराया कैसे जाता है। नाउ सबसे पहली बात जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव की बात की थी पिछले स्लाइड में कि जो कमीशन का ऑब्जेक्टिव है इसको कराया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस। मतलब कि अगर सपोज आज के डेट में 2019 में अगर सरकार डिसाइड करती है पार्लियामेंट के थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन जो एक्ट है वो पास कराया जाता है और एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है तो जो सेंसस जो पॉपुलेशन की जो गणना है वो किसके लिए जाएगी जो सबसे लेटेस्ट हुआ है। तो अभी सबसे लेटेस्ट कौन सा है 2011 का जहां पे 121 करोड़ पॉपुलेशन थी हमारी। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसिस होगा वो लेटेस्ट सेंसस का होगा। साथ में जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसका सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा और उसको पब्लिश कर दिया जाएगा फॉर द पब्लिक फीडबैक। मतलब पब्लिक से भी कुछ सजेशंस मांगे जाएंगे और उसको देखिए कहां कहां पब्लिश किया जाता है। एक तो है द गैजेट ऑफ इंडिया, दूसरा है गैजेट्स ऑफ स्टेट कंसर्न, जो स्टेट कंसर्न है उसमें वो, साथ ही में उस स्टेट के जो वर्नाकुलर पेपर्स हैं। मतलब कि अगर सपोज तमिलनाडु की बात करी तो तमिलनाडु के जो रीजनल न्यूज़पेपर हैं वहां के उनके एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में ये चीज जो है पब्लिश की जाएगी ड्राफ्ट को। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो कई सारे पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करेगी, साथ ही साथ उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं जो सजेशन है उनको कंसिडर किया जाएगा और अगर कमीशन को लगता है कि कुछ चेंज लाना है ड्राफ्ट में तो वो चेंज को जो कमीशन है वो लेकर आएगी ना। उसके बाद फाइनली एक ऑर्डर पास किया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाता है कमीशन के द्वारा वो उस ऑर्डर को गैजेट ऑफ इंडिया और स्टेट पर्टिकुलर जो स्टेट से रिलेटेड है उस गैजेट में उसको पब्लिश कर दिया जाएगा और जो भी प्रेसिडेंट डेट डिसाइड करेगा कि कब से उसको लागू करना है वो स्पेसिफिक डेट से जो डिलिमिटेशन का पूरा जो प्रोसेस है फाइनल ऑर्डर है वो मान्य कर दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये पूरा आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट में कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अभी तक कितनी सेटअप की गई है। यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, याद रखिएगा 1951-52 में हमारा इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, पहला इलेक्शन आजाद भारत में। उस समय क्या हुआ कि उसके पहले हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी दोस्तों। तो क्या हुआ 1950-51 में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय जब हमारा बना था उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन आइडेंटिफाई करेगा। अभी तो हमें पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन आइडेंटिफाई करेगा उसको, लेकिन उस समय ये चीज स्पेसिफिक नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी वजह से जो पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया गया वो कैरी आउट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो एक तरह से आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा पहला डिलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज किया गया और जैसा कि मैंने बताया उस समय स्पेसिफाइड नहीं था तो एक तरह से ये टेम्पररी इन नेचर था। और आपको पता है 1951 में फिर से एक सेंसस हुआ तो ये आइडेंटिफाई, मतलब कि ये जरूरत हो गई कि फिर से एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाए। नाउ इलेक्शन कमीशन ने 1952 के बाद सजेशन दिया गवर्नमेंट को कि आगे जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को आइडेंटिफाई करना होगा, कितने सीट्स होंगे लोकसभा में, ये सब जो आइडेंटिफाई किया जाएगा एक इंडिपेंडेंट कमीशन के द्वारा करना चाहिए। और इसी सजेशन को मानते हुए सरकार ने एक डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया इन द ईयर 1952 और इसीलिए ये हमारा पहला जो है एक तरह से हम कह सकते हैं डिलिमिटेशन कमीशन बना था। और अभी तक आजाद भारत में आजादी के बाद से टोटल 4 times डिलिमिटेशन कमीशन को एक्ट पास कराया गया है। एक है 1952, 1963, 1973 और 2002 में थ्रू डिफरेंट एक्ट। मतलब कि हर बार हमें एक डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को पास करना था जब भी ये डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट कराया गया। अब
दोस्तों ये जो पूरी चर्चा है इसके बारे में हम और चर्चा करने वाले हैं, जो कि मैं मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पे आपको पता चलेगा कि 2026 के बाद जब डिलिमिटेशन कमीशन हमारा फिर से बनेगा तो उस समय जो लोकसभा सीट्स हैं वो कैसे चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो आज की जो पार्लियामेंट है हमारी उसमें उतना जगह नहीं है एमपीज के लिए बैठने के लिए। तो ये जो पूरा लेक्चर है दोस्तों आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप कि ये जो पूरा लेक्चर है अभी आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।